में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ जाऊँ, बहुत सारे सेक्शन है और पूरा बुलबुल है बना के रखा, आधे लोग यहाँ पे आधे लोग वहाँ पे, और काफ़ी एक्साइटिंग है, मज़ा आ रहा है टूर करते हुए। अब यहाँ पे रखे कमोडो ड्रैगन्स, दुनिया के सबसे बड़े चिपकली बोल सकते हैं लिजार्ड्स, ये गणपति की मूर्ति, और यहाँ पे अपने जो गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं अपने यहाँ पे, तो इसका कुछ लगा के रखा है कि हम लोग कैसे रिलीजन के हिसाब से कंजर्व करने की कोशिश करते। बोलो जय श्री राम। ये हनुमान लंगूर, ये तो मेरे तरफ ही देख रहा है। इसके साथ थोड़ा भी सेल्फी लेने की कोशिश करते आज आ जाओ शहर से काफ़ी दूर डेनवर जू के अंदर। इच्छा थी काफ़ी दिन से कि यार एक अमेरिकन जू भी देख ले, तो आज करेंगे एक्सप्लोर। सैटरडे वैसे और भीड़ बहुत है, टिकट पड़ा कुछ 20 डॉलर का और काफ़ी बड़ा मैप है यहाँ पे, मैं वहीं चेकआउट कर रहा था अभी। चलो अंदर जाके आपको सारे दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी यहाँ पे। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस वन। सो इन टोटल एक कुछ जगह रिसोर्ट जैसी लग रही है, यहाँ पे सारी हरी भरी झाड़ियाँ है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे। इसको आपने देखा रहेगा अभी सामने देख रहे हो आप। सो ये आर्ट बनाया हुआ है लीगो लायन 500 ब्रिक्स का। वे हाई ना वापिस है यहाँ पे, इन लोग के कांच के यहाँ से दिया है, आप देख सकते हो। देख लिया शेर रखे हुए, ये दो सोया है यहाँ पे, ये तो एक सोया है, वहाँ पे एक बैठा है, वहाँ पे भी एक है। मोर की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी अभी थोड़ी देर पहले, शायद से एक आसपास हुआ कहीं पे। ये बच्चे को देखो ऐसे गाड़ी में से खींच खींच के लेके जा रहे हैं। रखे ज़ेब्रास, ज़ेब्रास है वहाँ पे कुछ। ये रहा मोर, इतने सामने से और नज़दीक से मैं देख रहा हूँ। सुबह पोलर बियर के यहाँ पे हाइट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ 9.2 फीट, इतने लंबे हो सकते हैं, मतलब मेरी 5.4 है, मेरे से डबल ऑलमोस्ट। तो वो सो पड़ा है वहाँ पे जो मैंने बताया था अभी नीचे से अंडर वाटर। तो अब वो ट्रूप सेक्शन में ट्रॉपिकल सेक्शन, जैसे कि फ्रॉग स्नैक्स, और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, चंगादड़ वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये है मैम, इसमें नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ जाओ, बहुत सारे सेक्शन है और पूरा बुलबुल है बना के रखा, आधे लोग यहाँ पे आधे लोग वहाँ पे, और काफ़ी एक्साइटिंग है, मज़ा आ रहा है टूर करते हुए। तो ये फिश है मड स्कीपर बोलते हैं इसको, ये मड के अंदर घिस 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 के चला जा सकता है। Look at this, कितना बड़ा ये, बहुत एज भी लग रहा है, एक जगह शांति से पड़ा हुआ है। यहाँ पे रखे कमोडो ड्रैगन्स, दुनिया के सबसे बड़े चिपकली बोल सकते हैं लिजार्ड्स, यहाँ पे इसकी फोटोज है और थोड़ी इन्फो रखी है। वहाँ पे रखे लिजार्ड्स अभी एक्चुअल ओरिजिनल में भी सामने से देखते हैं, कमोडो, कमोडो ड्रैगन्स भी बोलते हैं उसको। इनकी कुछ कंकाल है यहाँ पे, तो
सो ये बेबी कोमोडो ड्रैगन्स, इनके बच्चे। सो इनका पंजा कुछ इस प्रकार रहेगा, और ये देखो यहाँ पे सोया है वो। ये सबसे बड़ा, इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा सा इसका दिख रहा है अभी। इनका जॉस कंकाल, तो ये देखो ये है जिराफ टावर। यहाँ पे आप नज़दीक से जिराफ को देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी हेल्थ केयर जो भी रहती है वो की जाती है। और यहाँ पे फिलहाल अभी क्लीनिंग चालू है, तो वी विल गो आउट। यहाँ पे शोज होते हैं, सील को वगैरह लेके यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह रखी है, ऑडियंस बैठती है। यहाँ पे ऐसे ऑडिटोरियम जैसा बना के रखा है, यहाँ पे शोज चलते हैं। रेस्टोरेंट भी अंदर जू के अंदर, अगर आप में से कोई कोलोराडो आता है तो डेनवर जू को विजिट ज़रूर देना, बहुत ही अच्छा टूर रहेगा आपका। सो मैं भी आया हूँ एलिफेंट पैसेज में, यहाँ पे कुछ एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे अपने गणपति की मूर्ति रखी है। ये गणपति की मूर्ति, और यहाँ पे अपने जो गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं अपने यहाँ पे, तो इसका कुछ लगा के रखा है कि हम लोग कैसे रिलीजन के हिसाब से कंजर्व करने की कोशिश करते हैं गणपति का रूप मानकर एलिफेंट्स को। तो एक यहाँ पे भी अपना इंडियन कल्चर लगाया हुआ है। तो ये बर्ड वर्ल्ड, यहाँ पे शायद से पेंगुइन रखे हुए, पिक्चर्स लगाए हुए यहाँ पे। ओके, ओ देयर आर दे पेंगुइन्स, वो वाले इसमें गड्ढे में। जो अभी रेन फॉरेस्ट सेक्शन है यहाँ पे, उसमें आया हूँ। यहाँ पे बर्ड्स ऐसे खुले हुए रखे, जंगल जैसा सीनरी बना है पूरा, और यहाँ पे सामने मेरे एक बर्ड बैठा है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसको। No. I thought it's a glass. So, यहाँ पे जरा भी कांच या फिर नेश लगाया हुआ नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा चेक किया था ऐसा डाल के, हाथ डाल के, whether it is covered or not, लेकिन ये पूरा खुला है। तो आज शायद से मैं आपको दो जगह पे लेके जाऊंगा। ये एक जगह है जू, अभी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली रहेगी शायद से, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है। और दूसरी जगह है वर्ल्ड ओवर विंग्स म्यूजियम, ऐसा कुछ नाम है उसका। अमेरिका ने जितने भी फाइटर जेट्स वर्ल्ड ओवर में यूज़ किए थे उतने सारे का एग्जीबिशन लगा था वहाँ पे। तो अभी देखते कैसा होता है यहाँ पे, जितने जल्दी ख़त्म हो सके ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और आज ही के दिन म्यूजियम में भी जाने का ट्राई करूँगा। ये छोटे बच्चों के लिए अपने इंडिया में ऐसा जतरा में यूज़ करते वैसा राइड है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेन भी है यहाँ अंदर वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। अंदर भी है ट्रेन भी है अंदर, एंड ट्रेन भी है अंदर, वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं हम घूम फिर के।
जैसे मैंने कहा था रेल रोड स्टॉप लुक लिसन रेल क्रॉसिंग तो ओ वो रही वहाँ पे ट्रेन सभी ट्रेन राइड करूँगा $3 का एक राइड है ऑलमोस्ट 5-10 मिनट कुछ लगते ये रहा रेलवे ट्रैक जू के अंदर ये भाई साहब भटके हुए यहाँ पे घूम रहे ये रहा यहाँ पे अंदर भालू है यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ आपको बस इसी को देखना था कैसे दिखते ब्लैक बियर सही रहा जा रहे एक्सपीरियंस में ऐसा लग रहा है मैं पूरा जंगल में घूम रहा हूँ ऐसा लग रहा है जू में अपने इंडिया में अपने जू देखे रहेंगे कैसे बांधे हुए रहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है जाली का यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए कंप्लीट टच दिया है जू का यानी कि कंप्लीट टच दिया है जंगल का सो ये और कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी बहुत प्रॉपर तरीके से रखा है इन लोग को एनिमल्स को विदाउट हार्म पहुँचाते हुए उनकी जो टेक केयर की जा रही है वहाँ पे एक बंदर वो अंदर शेड में वहाँ पे थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ चलिए यहीं से चलते सीधा बहुत बड़ा जू है ये प्लेफुल पैरट सेक्शन में यहाँ पे बर्ड्स को फीड कर सकते हैं और जो डोर पे जो इंसान थे उन्होंने बोला कि आके कंधे पे वगैरह भी बैठ सकते हैं तो बस उनको ग्रैब मत करना सो लेट्स सी अगर कोई आता है कि नहीं ये रहे यहाँ पे है बर्ड्स सारे पैरट्स है लोग इनको खिला रहे तो बाहर बोर्ड लगाया था नेचर ट्रेल करके और यहाँ पे एक्चुअली नेचर ट्रेल जैसे यहाँ पे जटायु रखे अपने रामायण महाभारत वाले रामायण वाले जटायु रखे यहाँ पे गेंडा सो रहा है यहाँ पे आई थिंक सो इतना ही था डेनवर जो यहाँ पे लोगों की फ़ोटो खींचाई चालू है बुलकार्ड पे बहुत बड़ा जू है ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए मेरे को ऐसे घूम रहा हूँ मैं एक बैटरी डाउन भी हो चुकी है अभी नई वाली डाल दी यहाँ पे बदक है पानी में ऑलमोस्ट डन हो चुका है पूरा घूम चुका हूँ आई होप सो आपको पसंद आया रहेगा और एक अच्छी बात लगी कि यहाँ पे अंदर जाली के अंदर से बंद नहीं करके रखा है उन लोग को नेचर के साथ रखा है आपने देखा रहेगा वहाँ पे गोट भी है और थोड़ा बहुत सेक्शन बचा हुआ है लेकिन बहुत छोटा छोटे देख लूँगा और फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँगा जो है विंग्स और म्यूज़ियम सो ये वाला व्लॉग इधर ही ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि व्लॉग लंबा चौड़ा खींचा जाए तो वो भी एक एक्साइटिंग म्यूज़ियम और ये देखो वाइट गोट तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना आपके दोस्तों के साथ शेयर वगैरह ज़रूर करना उनको बोलना सब्सक्राइब ज़रूर करें USA में बहुत सारी जगह घूमना बाकी है भी चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय